हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी के कोविड के टाइम पे, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो हम अपने लेक्चर के तीसरे सीरीज में आ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, जहाँ पे हम कार्बोक्जिलिक एसिड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले तो हमने एल्कोहल्स डिस्कस किया था, ईथर्स डिस्कस किया था, फेनॉल्स और एनिलीन्स को डिस्कस करा। उसके बाद अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट, जो कि कार्बोक्जिलिक एसिड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती है जो आपके आइसो स्ट्रक्चर्स और जो आपके यूपीएससी के नेम्स में काम आती है। तो वहां पे हम इसके कॉमन नेम्स के साथ आईयूपीएसी का नेम भी वहां पे यूज कर लिया जाता है। तो बेसिकली इसका तो एक आपको नेमिंग के तरफ पे इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा इसके काफी ज्यादा इनके रिएक्शंस होते हैं, तो उस केस के अंदर ये आपके काफी ज्यादा यूज आते हैं। तो उस केस के अंदर जैसा कि हम लोग अभी स्टार्टिंग से देखते हैं, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, और हमें मेन है कि इनके अंदर कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है कि किनका नाम क्या होगा कॉमन नेम और उनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बेसिकली एक चार्ट के अंदर सारे कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स को डाल दिया, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जो हम यूज करते हैं जनरली। तो वो पता होगा तो हम रिएक्शंस में और अच्छे तरह से डील कर पाते हैं, और हमें आईयूपीएसी साइड पे भी हमें एक बेनिफिट होता है। और एक आप देख रहे होंगे कॉलम आपके पास है आयु ऑकरेंस का कॉलम। तो ऑकरेंस का कॉलम मैंने इसलिए डाला क्योंकि कभी कभी आपके पास वो बायोमोलिकल्स वाले साइड पे कभी कभी वो पूछ लेते हैं एसिटिक एसिड का ऑकरेंस क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का ऑकरेंस क्या होता है। तो कभी कभी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ जो हमारा बायो साइंस है, तो उधर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस आपके थ्रू बायोमोलिकल्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है कार्बोक्जिलिक एसिड। तो कार्बोक्जिलिक एसिड की प्रिपरेशन काफी ज्यादा सिंपल है। आप अगर गिरनार रिएजेंट के साथ भी अगर कराते हो तो आप कार्बोक्जिलिक एसिड की प्रिपरेशन करा रहे होंगे, बट कुछ और भी केसेस है जिनको हम डिस्कस करेंगे। गिरनार्ड के साथ तो हम जानते हैं कि आपने डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एक ईथर लेना है और उसको हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो आपके पास वो कार्बोक्जिलिक एसिड बन के आ जाएगा। बट इन द केस अगर आपके पास गिरनार्ड रिएजेंट नहीं है, तो फिर और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम कार्बोक्जिलिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब हम कार्बोक्जिलिक एसिड के दूसरे तरीके से देखते हैं, तो आप एल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। हमने जो अपने ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में देखा था, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कवर करा था, रिड्यूसिंग एजेंट्स को करा था, तो वहां पे हमने इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ा था। यहाँ पे हमें इनकी प्रिपरेशन करनी है, तो हम जस्ट देख रहे होंगे कि कैसे और किनसे क्या प्रिपेयर होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स और एल्डिहाइड बोलने का मतलब, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं तीन चार कंपाउंड्स। जैसे कि आप KMnO4 अगर यूज कर रहे हैं, तो KMnO4 को आप किसी भी मीडियम में ले सकते हैं, न्यूट्रल एसिडिक या बेसिक मीडियम में। बट इन द केस अगर आप जोन्स रिएजेंट या CrO3 यूज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एसिडिक, और K2Cl2O7 में भी आपको एसिडिक मीडियम ही लेके यूज करना होगा। तो अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, तो हमारे पास एग्जांपल्स में आता है कि अगर आपने एक अल्कोहल लिया KMnO4, आप मैंने अभी बताया आप बेसिक में भी ले सकते हो, आप एसिडिक में भी ले सकते हो, आप न्यूट्रल में भी ले सकते हो। बट इन द केस अगर आपने जोन्स रिएजेंट से इसे ऑक्सीडाइज करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइज करना होगा। दैट्स क्लियर। सो नाउ सेकेंड जो हमारा पॉइंट आता है, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम एसिड डेरिवेटिव्स की। एसिड डेरिवेटिव्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो इसमें आपके पास दो तीन केसेस बन रहे होंगे। तो उन केसेस को हम, पांच छह केसेस को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप एस्टर की, एमाइड की, एसिड क्लोराइड की, और एनहाइड्राइड और नाइट्राइल्स की। नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस सबसे सिंपल होती है, हम जानते हैं कि साइनो के हाइड्रोलिसिस पे हमें हमें कार्बोक्जिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन आपका इंक्रीज नहीं होता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन आपके पास रिएक्टेंट में होता है, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन आपके पास प्रोडक्ट में होता है। दूसरी चीज, जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे एमाइड्स की, उस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एमाइड्स की हाइड्रोलिसिस तभी हो सकती है जब आपके पास एक एक्वस एसिड हो और उसे आप हीट कर रहे हो। ये दो कंडीशंस जब तक आपके पास नहीं आएंगी, तब तक आप एमाइड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो, जैसा कि आप इस वाले केस में आप देख रहे हैं। नाउ द सेकंड एंड थर्ड केस, द एसिड क्लोराइड्स की आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो एसिड क्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस बहुत ही सिंपल होती है, जस्ट आप वहां पे रिएक्शन होता है और Cl निकल के वहां पे OH आके जुड़ जाता है, तो वहां पे हमारे पास एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है। एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट वहां पे वही लिविंग ग्रुप वाला फंडा आ जाता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है वहां से, तो रिएक्शंस के अंदर आपके पास लिविंग ग्रुप लीव करता है। ये हम कुछ प्रिपरेशंस है, तो इसे हम जस्ट एक एक रिएक्शन के तौर पर देख रहे हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे कहां पे
बनता है ये, बस आपको बनने की तरीके याद रखने, नहीं तो आप तो गिरनार रिएजेंट से ही बना सकते हो, आप ऑक्सीडाइजिंग करके भी बना सकते हो। नाउ अगर हम आगे देखें कि कुछ रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, तो अगर हम वहां पे डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेयर वुलहार्ट जेलिंस्की रिएक्शंस। इसे हम HVZ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोजल करा था। तो यहाँ पे HVZ रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक एसिड दिया हुआ होगा और आप वहां पे यूज कर रहे होंगे एक ट्राई फॉस्फोरस हैलाइड। अब वहां पे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो उतना बात करने की टॉपिक नहीं। बट हाँ, अब अगर आपने ट्राइक्लोर फॉस्फोरस हैलाइड नहीं लिया है, देन अगर आप रेड पी और हैलोजन ले सकते हैं, हैलोजन इन द सेंस आप X2 ले सकते हैं, अगर आपने PX3 नहीं लिया है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो अल्फा कार्बन होता है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन है, तो इस कार्बन के ऊपर एक हैलोजन आके जुड़ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है एसिड डेरिवेटिव्स की, जहां पे आप एक एसिड को SOCl2 से रिएक्ट करा के एसिड क्लोराइड बना रहे होंगे, और एक एसिड को आप P2O5 से रिएक्शन करा के, ध्यान रखिएगा P2O5 आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, उस केस के अंदर क्या होता है कि वहां पे वो आपके पास पानी को वो निकाल लेता है। तीसरा रिएक्शन आपके पास अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, तो आपको तो एमाइड बनता हुआ दिख रहा है, बट इसके बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जहां पे आपके पास अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये 2-स्टेप फॉर्मेशन, तो मैं वहां पे डिनोट कर दे रहा हूं, तो जिससे आपको ध्यान रहेगा, ये 2-स्टेप फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर एक स्टेप में आपके पास अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। नाउ हमारे पास एक और आता है जहां पे हम ईथर बनाते हैं, तो उस केस में हम एक्सेस अल्कोहल ले लेते हैं। अगर आपको OH को हटा के वहां पे R- जोड़ना है, तो आपको अल्कोहल एक्सेस में लेना होगा रिएक्टेंट से हमेशा ज्यादा, उस केस के अंदर आप ईथर बना सकते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारे पास आता है हुंस्ट-डिकर रिएक्शन। हुंस्ट-डिकर रिएक्शन बेसिकली क्या कहता है कि आपने एसिड लिया और आपने कोई ऐसा ऑक्साइड लिया है, या वो तो पहली बात वो किसी हायर मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। आप दो ही ऑक्साइड हम यूज कर सकते हैं अपने सिलेबस के अंदर, Ag2O या फिर HgO, इन दोनों के अलावा दूसरा ऑक्साइड हम यूज नहीं कर सकते। आपके पास हैलोजन होना चाहिए, Br2 होना चाहिए, देन आप RBr फॉर्म कर रहे होंगे, आपके साथ रेसिड्यू में CO2 और AgBr बच रहा होगा। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम किसे कहते हैं, तो NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं उस केस के अंदर, और डीकार्बोक्सिलेशन का बेसिकली मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उस केस के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, तो उस आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है, ये बोर्ड्स और JEE के लिए दोनों के लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। हमें यहाँ पे आपको रिएक्टिंग एजेंट भी बताना है, हमें आपको यहाँ पे जो इनके आपके कैटालिसिस होंगे वो सारे चीजों को बताना है, जो रिएजेंट्स हैं उनको भी बताना है, जो हम यूज कर रहे हैं सारे चीजों को हम बारीकी से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना JEE मेंस और एडवांस के लिए, और एडवांस के लिए तो बेसिकली एडवांस अभी हम लाएंगे ही, क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, तो आप जुड़े रहें। नेक्स्ट जो हमारे पास जो सीरीज आएगी उसके अंदर हम लोग एल्डिहाइड्स और कार्बोनिल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिकली कार्बोनिल्स के अंदर भी बहुत कुछ है, उसके तो टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उसके। जैसे कि अगर नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि आप एक सॉल्ट लिए होते हैं जिसकी हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं, और आप एक एल्केन बनाते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज होती है, जितना नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड पे है, लेट से N है, और अगर आपके प्रोडक्ट साइड पे एल्केन जो बनेगा उसके कार्बन आइटम्स की नंबर होगी 2 × N-1, 2 × N-1 उनकी कार्बन की संख्या होगी। ये तो छोटे क्वेश्चन में आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन द केस अगर आपको कोई बड़ा सॉल्ट दे दिया जाता है, तो फिर उस केस में आप एल्केन्स बनाने में गलती कर सकते हैं। सो इस केस को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हमेशा क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, तो वो केस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैब टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने प्रिपरेशन देखा, हमने रिएक्शन देखा, नाउ अब बारी है कि क्या क्या टेस्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सबसे बेसिक टेस्ट हमें पता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करने में एसिड माहिर होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट NaHCO3, जो हम अपने GOC से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं NaHCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में CO2 रिलीज करते हैं। एक्सेप्शन क्या होती है,
एक तो आपके पास सारे कार्बोक्जिलिक एसिड्स देते हैं, सारे सल्फोनिक एसिड्स देते हैं, बट इन द केस एक दो एक्सेप्शन आते हैं इसके अंदर कि पिक्रिक एसिड जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वो नहीं दे रहा होता है, सॉरी पिक्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आपके पास दे रहा होता है, इकलौता ऐसा अल्कोहल होता है उसके अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा होता है और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर रहा होता है। सो फेनॉल्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, ये इसके लिए एक्सेप्शन वाली बात थी। अगेन रिपीटिंग, पिक्रिक एसिड टेस्ट देता है। थर्ड इज आवर टेस्ट एस्टरीफिकेशंस ऑफ एसिड। एस्टरीफिकेशंस ऑफ एसिड का कहने का क्या मतलब है, जहां पे कोई कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसी अल्कोहल के साथ और एस्टर को फॉर्मेशन करता है, जो कि एस्टर हम जानते हैं स्वीट फ्रूटी स्मेल का होता है। तो बेसिकली कोई एसिड आपके पास, वही जो अभी हमने डिस्कस करा था जहां पे मैंने बोला था आपको कि आपको एक्सेस में अल्कोहल लेना होगा, तो उसके आप इंपॉर्टेंस देख लीजिए क्योंकि वो इसके टेस्ट में भी आता है, तो इसके पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहां पे आपको एक्सेस में अल्कोहल लेना है, एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, आपको एस्टर फॉर्म करना है। एस्टर की पहचान कैसे होगी, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, फल के जैसा उसकी महक होती है, तो वो हमारे पास बन के आ गया होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आने वाला है वो कार्बोनिल्स के ऊपर आने वाला है, सो हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ बहुत ही ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ रही है आपके लिए। जल्द ही फिजिक्स के लेक्चर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सभी दोस्तों को सभी आपके भाइयों को फायदा होना चाहिए इस चीज से। तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद।